मध्य प्रदेश में इन दिनों सम्राट मिहिर भोज को लेकर के एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये विवाद और ये विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। आखिर क्यों गुर्जर और क्षत्रिय समुदाय के लोग सम्राट मिहिर को लेकर के आमने सामने आ गए हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर में सम्राट मिहिर की प्रतिमाएं लगाई गई और सम्राट मिहिर की मूर्ति के नीचे लगे शिला लेख में उन्हें गुर्जर बताया गया है। गुर्जर समुदाय का दावा है कि मिहिर भोज उनकी जाति के थे और जबकि क्षत्रिय समाज ये मानता है कि वो उनके वंशज हैं और यही बात दोनों समुदायों के बीच विवाद की असली वजह है। ये विवाद अब धीरे धीरे संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। कई शहरों में तोड़फोड़ और हिंसा भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के कई जिलों में भी ये विवाद धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सम्राट मिहिर भोज थे कौन, क्या है उनसे जुड़ा इतिहास, हम आपको बताएंगे। सम्राट मिहिर भोज को लेकर के इतिहासकारों के अलग अलग मत है। मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिहिर भोज के शासन का समय 836 से 885 तक रहा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कन्नौज पर राज किया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि प्रतिहार वंशज खुद को अयोध्या के राजा राम और लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, जबकि कुछ इतिहास से इन्हें गुर्जर समुदाय का मानते हैं और इसी वजह से राजपूत और गुर्जर समुदाय के लोग अपने अपने दावे करते रहे हैं। ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।